स्वागत है आपका अलाइव 24 में। महिलाओं को सही प्लेटफॉर्म देना ही उद्देश्य है। आलिंगर वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष रेखा सिंह ने महिला समस्याओं और बेसहारा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर की प्रेस वार्ता, जहां पर महिलाओं बच्चों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने और उन्हें रोजगार से लगाने को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं रेखा सिंह, आलिंगन वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो नारियों की स्थिति है बहुत बेहद दयनीय है। तो उनकी स्थितियों को देख के मेरे मन में वो काफ़ी समय से ख्याल आ रहा था कि इनको किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। तो मैं पिछले काफ़ी सालों से इनके लिए काम कर रही हूँ, कुपोषित बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। तो काम करते करते मुझे ख्याल आया, लोगों ने सलाह भी दी कि इसको रजिस्टर्ड करा लीजिए, तो हमने रजिस्टर्ड करा लिया। उसके बाद युवाओं के लिए भी हमने काम शुरू कर दिया, युवाओं को रोज़गार देने का काम। और जो ग्रामीण अंचल की बहुत ही अति गरीब जो महिलाएं हैं, जिनको पुरुष घर में एक पैसा भी नहीं देते, उनको अपने पैर पर खड़े होने के लिए मैंने कुछ गृह उद्योग जैसे अचार पापड़ बनाना, हल्दी धनिया मसाले पीस के उसको मैं शहर में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ। सिलाई मशीन हमने प्रोवाइड कराई कि आप थैले सिल के दीजिए, मैं शहर में उसको सेल करवाती हूँ। पर थैले जो भी कॉस्ट होती है उनको पर थैले दिए जाते हैं। कपड़ा मैं देती हूँ, रील मैं देती हूँ, पर थैले की सिलाई मैं 10 रुपये पर थैले के हिसाब से देती हूँ। एक महिला अगर 25 थैले भी एक दिन में सिलती है तो 250 रुपये एक दिन के उसके हो जाते हैं। उससे मेरी पूरी कोशिश है उनकी मदद करने की, और मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी हद तक कर भी पा रही हूँ। 497 का जो निर्णय आया है उसका भी मैं स्वागत करती हूँ। ये हमारे महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है, नारी और पुरुष दोनों को एक समान सरकार देख रही है। इसी सोच को लेकर उन्होंने आलिंगर वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की, जो समाज में इस तरह की महिलाओं के लिए काम कर रही है और उन्हें रोजगार मुहैया करा रही है। इस कड़ी में 5 अक्टूबर को महिला रोजगार सम्मेलन रखा गया है। ये थी लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव 24। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे लाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।